देखिए केवाईसी कौन से बैंक में जल्दी हो जाता है, आज उसी के बारे में बात करते हैं। तो केवाईसी को जो प्रक्रिया है होने में, यानी कि बैंक में पूरा होने में, वो तो आपको पता ही होगा कि कितना लेट है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कि केवाईसी बहुत जल्दी कर देता है। तो इसका अगर सटीक से बारे में बात करूं, तो सीधी सी बात है कि जो अकाउंट, यानी कि अगर आपका अकाउंट प्राइवेट बैंक में है तब तो आपका केवाईसी बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर आपका अकाउंट किसी सरकारी बैंक में है तो फिर समझिए आपका जो केवाईसी है वो थोड़ा देर से होता है। केवाईसी तो होगा ज़रूर ही, लेकिन वो थोड़ा देर होता है। सबसे बुरा स्थिति एसबीआई का है, क्योंकि एसबीआई में अगर आपका अकाउंट है तो समझिए काफ़ी देर लगता है केवाईसी करने में। डिपेंड ये भी करता है कि वर्कलोड कितना है, क्योंकि सरकारी बैंकों पर ज़्यादातर वर्कलोड है, और अधिकतर बैंकों को क्या हुआ है कि मर्ज कर दिया है, तो इससे क्या हुआ है कि ज़्यादा कस्टमर हो गया है, और कस्टमर ज़्यादा हो जाने से तो फिर काम भी ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए सरकारी बैंकों में थोड़ा ज़्यादा ही काम होता है, जिसके कारण उस पर वर्कलोड ज़्यादा होता है, तो वो केवाईसी थोड़ा सा लेट से करते हैं। लेकिन जो ही आप प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो उसका जो कस्टमर होता है वो लिमिट में होता है, कम होता है, और वो अपने कस्टमर को ज़्यादातर अपने तरफ आकर्षित करने के लिए कोई भी काम बहुत जल्दी कर देते हैं। तो इसीलिए अगर आपका अकाउंट प्राइवेट बैंक में है तब तो आपका केवाईसी बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर आपका अकाउंट सरकारी में है तो थोड़ा सा लेट होगा। अब बात करते हैं कि आखिरकार कौन से बैंक में जो केवाईसी है वो जल्दी हो जाता है। तो प्राइवेट बैंक, जैसे कि आप लेंगे एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आप HDFC लेंगे, ICICI लेंगे, इस समय अगर आपका अकाउंट है तो फिर समझिए कि आपका जो केवाईसी है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आप सरकारी बैंक में जाएंगे, SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, और भी बहुत बैंक है जिसमें कि अगर आपका अकाउंट है तो समझिए कि आपका जो केवाईसी है वो बहुत ही धीमी गति से होगा। अब देखिए प्राइवेट बैंक में तो इतनी अच्छी सहूलियत दे दी है कि आपको बैंक जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सिर्फ वीडियो कॉल से आप अपना केवाईसी कर सकते हैं घर बैठे। तो इसी तरह सरकारी बैंकों में भी हो जाना चाहिए। तो यही कुछ प्रक्रिया था। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए।